हे गाइस, कैसे हो तुम सब लोग? लुक इनसाइड में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम इस कमरे माउस का पोस्टमार्टम करेंगे और देखेंगे इसके अंतरिया को। तो चलिए शुरू किया जाए। जैसे कि हर बार की तरह इस बार भी एक इंट्रो हो जाए, तो माउस जी अपना इंट्रो दे दीजिए प्लीज़। हेलो गाइस, मैं एक अधमरा ऑप्टिकल माउस हूँ, वो भी फ्रंटेक कंपनी का। तो गाइस, जैसे कि आप लोग जान ही गए हैं कि ये एक अधमरा ऑप्टिकल माउस है, इसीलिए मैं इसको खोलने के लिए कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। तो लीजिए, मैं अभी से खोलने जा रहा हूँ। सो गाइस, देखिए, ये इसका पहली बार है। इससे पहले इसको कभी खोला नहीं गया था, तो इसका मैं अब सील उतार के खोलने जा रहा हूँ, पर नहीं खुला है। स्क्रू तो खुल गया, अब यहाँ पे कोई स्क्रू नहीं रहता है, शायद नहीं रहता है ना, नहीं रहता है। देखिए, इसमें सिर्फ ये एक ही स्क्रू रहता है नीचे में, और कोई स्क्रू नहीं रहता है। तो ये ज़्यादा कठिन भी नहीं होता है खोलने के लिए। तो ये खोलेगा कैसे? लीजिए दोस्तों, ये अब खुल गया। अब देखिए, ये जो बोर्ड है वो इस माउस का, इस पूरा माउस का मेन सर्किट है, जिसमें तीन छोटा छोटा बटन लगा हुआ है, और यहाँ पे एक छोटा सा व्हील भी रहता है। देखिए, पूरा निकाल के आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरह का दिखता है, फोकस नहीं हो रहा है। ये देखिए, तीन बटन और एक व्हील, जो कि आप शायद यहाँ से तो घुमा नहीं सकते, इसे आप इससे घुमा सकते हैं। यहाँ पे फिट करके आप इससे घुमा सकते हैं। ये कुछ इस तरह का दिखता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये इसमें चार वायर लगा रहता है, जो कि ये सीधा जाके आपके डिवाइस पर लगता है, और आप जब भी इससे कोई एक्टिविटी करते हैं तो वो आपके स्क्रीन में नज़र आ जाता है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। गाइस, ये जो छोटा व्हील है, इससे क्या होता है, आपका स्क्रीन ऊपर नीचे होता है। जैसे कि आप अगर कोई कंप्यूटर के सामने आप अगर बैठे हो, तो आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ सेंटर में इस तरह का एक व्हील होगा, जिसे आप घुमा के अपने स्क्रीन को ऊपर नीचे कर सकते हैं। और अब देखिए, यहाँ पे नीचे एक छोटा लाइट बल्ब होता है, जो कि इस माउस का सेंसर का काम करता है, जो कि इस प्लास्टिक के बना, इस प्लास्टिक से बना लेंस से गुजरते हुए इस सेंसर में जाता है, और आपका स्क्रीन पर पॉइंटर का मूवमेंट होता रहता है इसे हिलाने से। बस ये सिर्फ इसी से काम करता है। देखिए, ये उसका, एक सेकेंड, यार फोकस तो हो जा, नहीं हो गया। खैर, ये इस माउस का लेंस है। देखिए, इसका कुछ इस तरह का दिखता है, जो कि
ये इसमें यहाँ से लगता है, नहीं सॉरी कैसे लगता है, लगता कैसे रुकिए पहले थोड़ा मैं समझ लूँ। हाँ शायद इस तरह से लगता है नीचे से, ये लाइट यहाँ पे आता है, यहाँ से गुजरते हुए यहाँ पे आके इस छोटे पॉइंट से गुजरते हुए इस सेंसर में जाके लगता है और माउस का मूवमेंट पता चलता है। अब मैं इस लाइट को भी निकालूंगा, निकल गया। या आप अपना, आप अगर कंप्यूटर के सामने बैठे हो तो आप अपना कंप्यूटर के माउस में भी आप ये गौर कर सकते हैं, नीचे जो एक छोटा छेद है वहाँ से एक लाल लाइट आ रहा है, शायद आपको दिखाई दे रहा है, वही ये लाल लाइट सेम चीज़ है, वही चीज़ है ये। और यहाँ पे क्या कहता है, रिस्टार्ट रजिस्टार्ट का कोई आइडिया नहीं है मेरे। और ये है उसका स्विच, ये इसे भी खोलता हूँ मैं। ऊपर वाला हिस्सा तो निकल गया, ये कुछ इस तरह का दिखता है, फोकस नहीं हो रहा है यार, क्या छोड़िए। कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ठीक से दिखाने के लिए, पर हो नहीं पा रहा है। ये लो, ये तो पूरा स्विच ऊपर आ गया, ये इसका सेंसर है, इसके अंदर कैसा दिखता है वो आपको थोड़ा वेट कीजिए, कोशिश जारी है मेरा। जा खुल गया या टूट गया पता नहीं, ये देखिए गाइस, ये है असली सेंसर, इसके अंदर रिसेट करता है। ये है वो व्हील जो कि मैं आप लोगों को कहा था, ये घुमाने से आपका स्क्रीन ऊपर नीचे होता है, जो कि मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये टूट चुका है, नहीं घूम रहा है, बैड लक। ये देखिए गाइस, ये स्विच कुछ इस तरह से काम करता है, दबाने से ये नीचे जाता है, ये देखिए इस तरह से। देखा ना, इस तरह से काम करता है ये। और ये तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि इसमें चार वायर लगा रहता है जो कि इसमें जाके लगता है, और यहाँ पे चार पिन है इसके अंदर, शायद ही आपको दिखाई दे रहा है पता नहीं, भगवान जाने, जो भी हो। देखिए
यहाँ पे चार पिन रहता है जो कि आपके डिवाइस में जाके लगता है और जो कि मैंने कहा था एक्टिविटीज़। सो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर ये पूरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर आपको इस तरह का और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर आप सब्सक्राइब करते तो प्लीज़ साइड में जो बेल बटन है उसे भी आप प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूँ तो आप लोगों को सबसे पहले पता चले और आप लोग सबसे पहले उसका दर्शक हो पाए। तो सो गाइस, बाय बाय, टाटा।